वाह यार, किसी भी गाड़ी को देख लो, हमारे घर में हर गाड़ी की सेम हालत हुई पड़ी है। कितना अच्छे से मेंटेन करके रखते हैं हम गाड़ी को। अभी अभी मैं आया हूँ, और मतलब रात को मैं आ गया था, अभी सुबह सुबह मैंने आके किया सेल्टोस को धोया है, क्योंकि पापा मम्मी आज रक्षाबंधन है भाइयों, तो पापा मम्मी जा रहे हैं मामान के, तो मैंने आके उस गाड़ी को धोया। मैंने कहा चलो आप लोग इसमें चले जाना, मैं एंडेवर में चला जाऊँगा। और अब एंडेवर को आके देख रहा हूँ, उसकी भी हालत ख़राब हुई पड़ी है। किसी भी गाड़ी की कोई मेंटेनेंस नहीं है, बिल्कुल भी कोई भी ध्यान नहीं है किसी भी गाड़ी को लेकर। बस बैठो, चलाओ, चलो। और अगर साफ़ करनी होगी तो जिसको सरानी है वो अपना साफ करा लेगा, कर लेगा, नहीं तो अपना कोई बात ना है। ये वाली चीज़ बढ़िया है। चलो कोई बात ना भैया। भाई अभी हम लोग आए हैं मंदिर पे, और यहाँ पे अपनी ये खड़ी हुई है किया सेल्टोस, और इसमें रखा हुआ है कुछ सामान जो हमको लेना है इस गाड़ी में से। बिकॉज अभी मैं, अभय और आशीष हम लोग जा रहे हैं मेरे ससुराल में कायरव से मिलने के लिए, बच्चे से मिलने के लिए। मोटी का बहुत मन था कि मेरे को आपके बच्चे से मिलना है। चलो भाई, यहाँ पे मुझे लग रहा है मेरी पूरी फैमिली आ रही है। इट्स ऑकवर्ड, लेट मी शट डाउन द कैमरा नाउ। ये गाड़ी भाई इतना तेल पीती है, इतना तेल पीती है ये एंडेवर। यहाँ ने कती, और मोहित पवार जा रहे हैं मोहित पवार जा रहे हैं, देख किया सोनर जा रही थी अपनी। आज भाई रक्षाबंधन है, तो आज के दिन रोड पे देखो कितना ट्रैफिक है, कितनी गाड़ियां ही गाड़ियां जा रही हैं। ये तो गांव का एरिया दिखा रहा हूँ मैं आपको, शहरों में तो जन क्या हो रहा होगा, ट्रैफिक लगा हुआ होगा। अब ट्रैफिक में से हमारा इतना बड़ा जहाज कैसे निकल जाएगा यार, कैसे निकलेगा इतना बड़ा जहाज। यू सत्तान मजार की है यू एक्सट्रीम बेस, बिकी ना रही तो होगी 125 R में वो कर दी लॉन्च, 125 CC में। अभी वो मैं बता रहा हूँ आप कि वो गाड़ी बहुत तेल पीवे, बहुत ही ज़्यादा तेल पीवे। यहाँ पलवल तक ले जाने के लिए अभी हम कम से कम 1500-2000 को तेल तो हमें चाहिए ही चाहिए, जब जाके ये गाड़ी पलवल तक पहुँचेगी। हर का दिन है, तो ये हाईवे वाले को सोचना चाहिए ना कि मैं साइड दे दूँ लोगों को, कि सब लोग निकल निकल के जा रहे हैं, पर ना, मैं तो अपना चलूँगा, चाहे दूसरों अपना चाहे ऐसी की तैसी करवाओ, मैं तो अपना निकलूँगा। अरे भैया थोड़ी सी तो जगह दे दे, देखियो घर परिवार वाले बालक बच्चे गाड़ी थे, जिसका जैसा भी हो तो वैसे अपन निकर निकर के जा रहे हैं। अब जाके ऐसी की वो कर दू हॉर्न बजा बजा के फादर बाद के बैठ लो, देखियो बाद पनीर के पकौड़े चल रहे हैं ससुराल में, तू भी खा ले। कोई ना, खा लूंगा मैं। तुझे इसी में मजा आ रहा है खिलाने में, वहीं पेट भर जा रहा है तेरा ब्रो। चलो भाइयों, अब अपने ससुराल से अपने बच्चे से मिलने के बाद में अब हम लोग निकल गए हैं सोहना के लिए। पलवल से डायरेक्ट सोहना वाला रूट पकड़ा है। रीजन वाय, क्योंकि अपना जो दोस्त है आशीष कुमार मोटा, ये अपने घर पे निकल रहा है भाई, क्योंकि आज रक्षाबंधन का त्यौहार, तो सबके घरों पे सबकी बहनें आई हुई हैं। और अब ये पता नहीं यार, मुझे एक बात समझ में नहीं आती भाई, आप लोग मुझे एक बात बताइए कि ये मुहूर्त वाली क्या चीज़ चल गई है, कि 1:35 पे शुरू होगा रक्षाबंधन और रात के 10 तक रहेगा मुहूर्त ये। और ये सब चीज़ें ना हुई पिछले 2-3 में ही हैं, उससे पहले ये सब कुछ नहीं होता था। उससे पहले हमारी बहनें हमको सुबह सुबह 9 राखी बांध दिया करती थी, और उसके बाद में पूरा दिन ऐसे घूमो फिरो, मस्त मौज लो। जब से ये इंस्टाग्राम पे रील्स आई है ना 2-3 से, और लेडीज़ ने ये देखना शुरू करी है रील्स, और उसमें बताने लग जाते हैं, और यूट्यूब शॉर्ट्स में बताने लग जाते हैं कि जब भादो लग जाएगा ये मुहूर्त हो जाएगा, वो मुहूर्त हो जाएगा। भाई क्या चल रहा है यार, कभी भी दिवाली के मुहूर्त निकल रहे हैं, कभी भी रक्षाबंधन के। तो पिछली बार जैसे हुआ था कि रात को 8 से 10 तक शुरू हुआ ये वो करके, भाई साहब पलवल के लिए भीड़ देखना पब्लिक ट्रांसपोर्ट में। आज एक्चुअली फ्री होता है लेडीज़ के लिए रक्षाबंधन के दिन, इसलिए इतनी सारी भीड़ हो रखी है भाई, देखना कतई कटाम आई हुई है कतई। भाई ये देखना कैसा चमत्कार मैं आपको दिखा रहा हूँ, धूप निकली हुई है और बहुत तगड़ी बारिश आई हुई है। आज के दिन ये बारिश होना जरूरी था क्या? आज सब ऐसे लेडीज़ वगैरह, अभी मैं जस्ट आपको दिखा रहा था कि लेडीज़ वगैरह कैसे बस में ऐसे जा रही हैं, और अब बारिश आई, वो सब बेचारी भीग गई, और फिर उनको ऐसे हो गया कि जल्दी से अंदर भागो, जल्दी से अंदर भागो, ये वाली चीज़ हो गई। भाई हमारा रक्षाबंधन देखो कितना बढ़िया मन गया, 4 राखियाँ। हमारी बुआ नहीं आई है, बस ऐसी हमारी बहनें आ गई हैं, कितनी तगड़ी तगड़ी 4 आई हैं हमारी, तो 4 हमको राखियाँ बन गई हैं। और वो भी टाइम देखो इनके आने का, राखी बांधने का टाइम दिखाता हूँ मैं आपको, 4:30। यू टेम रहे का रक्षाबंधन को है, सॉरी यू टेम रहे रक्षाबंधन मनाने को है, दुनिया की राखी बंध गई, एक एक डेढ़ बजे
बाजार भाई ये यहाँ पे ना ये रक्षाबंधन वगैरह ये यहाँ पे मिलने के लिए थोड़े आते हैं, ये लोग आते हैं मार्केटिंग करने के लिए, क्योंकि इनके ससुराल में तो मार्केटिंग होती नहीं है, ये यहाँ मार्केटिंग करती हैं लड़कियाँ आके, इनको यहाँ की मार्केट ज़्यादा पसंद है सोना की। बालकन के लगता भी यहीं से लेने, अपने भी लगता यहीं से ले ले हैं। किसके? 7,000 के लगता, किसके? बालकन के। दोनों उनके या सबरे कुनबा के? कुनबा के क्यों, इनके ही बस दो यहाँ के, दो मेरे। 7,000 के लगता लेकर आई दो बालकन के। वाह पैसा हो, बारह हजार के देख तो सही, कैसे फालतू 12,000 के से और 12,000 के में फर्क रहे, ठीक है तो वे होंगे 5,000 के सब, 5 जोड़ी लगता हूँ का ही क्या, ये तो जमी जाती है ना बारिश का पानी। भाई मेंढक देखो किस पे बैठे हुए हैं, ये तो पानी के मेंढक है, जब इन्हें पानी में रहने डर लग रहा होगा है, इन्हें तो पानी में नीचे उतर उतर के खूब नाचना कूदना खेलना चाहिए। ये तो वही वारो हाल है को, जैसे मछली समुद्र में वहाँ मजा ना आ रहा पर तट पे वहाँ मजा आ रहा, बीच पे मजा आ रहा या मेरे बीच पे ढूंढ रही है उगा रहा हाल है। हाँ क्या जोक मार भाई, रक्षाबंधन का त्योहार अपना हो गया फिनिश, हैप्पी रक्षाबंधन आप सभी को। अब अगले साल देखेंगे कितने मुहूर्त निकल के आते हैं, इस साल तो मुहूर्त निकला था 1:30 बजे से 9 बजे तक का, अगले साल अब देखना होगा कि अगले साल किस दिन पड़ता है और कौन सा मुहूर्त निकलता है, क्योंकि मुहूर्त का अब तो ट्रेंड सा चल गया है हर चीज़ में, जैसे कि मैंने आप सभी को बताया था। अभी सब लोग अपने अपने घर के लिए प्रस्थान कर चुके हैं, सब लोग अपने अपने घर निकल चुके हैं, जा चुके हैं और हम भी अपना खा पी के अब आराम कर रहे हैं, क्योंकि जन्माष्टमी का और भाई मुहूर्त और बता देना हमको एक्चुअली जन्माष्टमी का कौन सा मुहूर्त है, किस दिन कितने बजे शुरू है, जैसे कि अब कब शुरू होने वाला है, 26 जनवरी को बता रहे हैं, 26 को और 27 तारीख को जन्माष्टमी बता रहे हैं, तो उसका और बता देना भाई हम लोगों को 2 दिन जन्माष्टमी का। हाँ 2 दिन है जन्माष्टमी भी इस बार, हाँ 26 और 27, तो इसमें भी ऐसे हो रहा है कि किस कौन 26 को मना रहा है कौन 27 को मना रहा है, वृंदावन में किस दिन मन रही है कहाँ किस दिन, इनको बस ना चले और ये तो बालक ना होते, रुक जा अभी अभी मंगल चल रहा है, युग रहे चल रहा है, यूं बालक का भीतर ही आके वहां के पेट में तो ना लग सकते भाई, यही चीज हो रखी है, ये मुहूर्त वगैरह सिस्टम ऐसा निकाल दियो है अब कि हवन को जैसे बालक बच्चे हो शुद्धिकरण के हवा हो वैसे हर काम के चलो पंडितन पूछ जा सिर माथे की बात सब, पर यूं ना भैया हर चीज दो दो 1:30 बजे 9 बजे ये दियारी जाके पहन गए कि मैं अपने भैया को पहले राखी बांध जाऊं, मैं छोड़ छाड़ी आएंगी उनको तो कोई रक्षाबंधन ही ना रहा है। अरे अब जिनका ऐसा रहे अब मान लो कई कई दिन पहले बांध कर चले जाएं, दो दो दिन तीन दिन दिन पहले, फिर उनका कहा रहे। अब मैं तो बेटिया नहीं जब कल के तनी सा जाएगी तो मैं कहूंगी ले मैं तो पहली बांध जाऊं भैया, बोले चलो ये बेटी आवेगी, सब ये ऐसे सोचे पर इनका अब होना रहे। हाँ अब ऐसा रक्षाबंधन है यहाँ पे मुहूर्त के हिसाब से ही राखी बांधनी पड़ेगी, पहले तो 9 बजे सुबह सुबह 9-10 बजे ही बांध देख रहे कि अब चल रहा है कोई फोन चल रहा है ना नेट चल रहा है, इतनी दुनिया बिगड़ गई है, पहले ठीक हो एक हल्ला पूछा वे हाँ भैया जब तो रक्षा बंधन है बड़े बूढ़े ने जीवन ना जियो बढ़िया जियो और शुद्ध खायो और आजकल के तो भाई मेरी मम्मी भी फ्रस्ट्रेट हो रखी है, क्योंकि मम्मी मामा के गई 11 बजे मामा के पहुंच गई, अब वहाँ भी ऐसे कि नाना नाना अभी राखी मत बांधो भी अभी 1:30 बजे 2 बजे तक मुहूर्त है जब राखी बांधियो, इसलिए मम्मी भी फ्रस्ट्रेट हो रखी है। वही तो बात है ना कि अब इस तरीके से कि अब पहले जो बांध देते हैं उन लोगों का क्या, उस दिन तो मुहूर्त नहीं होता, राखी वाले दिन ही क्यों मुहूर्त निकल के आते हैं। चलो तो भाई क्या पता अब लोगों को ज़्यादा पता हो, अब ज़्यादा ज्ञानी लोग हों, ज्ञानी भी अब ज्ञान भी देंगे कमेंट्स में, 2-4 ज्ञान भी देने के लिए आ जाएंगे, कोई बात नहीं, योर ज्ञान सर मोस्ट वेलकम, बट अगली बार से मैं तो इन सब चीज़ों को बिल्कुल नहीं मानने का, मैं तो कह दूंगा चाहे मुहूर्त क्या है क्या नहीं है, मैं 9 बजे मेरे राखी बांध दो। तो हमारा तो ब्याह है को, तो हमारा तो बन सके फिर भाई ले बताइए, नए नए चौंसले चल रहे हैं, पर अगली बार से मम्मी मैं तो 9-10 बजे राखी बंधवा लूँगा, या कुछ हो कुछ ना हो जो डेट फिक्स है 9-10 बजे बांध के अपना पूरा दिन खाओ पियो, अब सुबह सुबह नहा लिए 1:30-2 बजे तक सब बासी है लियो फिर राखी, हाँ रात के 8-9 बजे से लेकर और अगले दिन के सुबह के 8-9 बजे तक रक्षाबंधन है।
चलो भाई कोई बात ना, छोड़ो कुछ ना कहना।